हिंदू जी का बहुत बहुत हिंदू दुआ का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे भी दो बैठ गया आपकी शांति। हाँ सारी सखियों का धन्यवाद, सबने बहुत ध्यान रखा। कोई आंटी भी आ गया? बहुत बहुत आनंद आया, खाने पीने का बड़ा मजा आया। इतना तो घर में भी नहीं खाते हम। नहीं नहीं देखो, वो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे तो मैंने आपको दी, इसमें मुझे बार बार शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आज इतनी नए नए एक्सपीरियंस जो ली है, जो ये रश में जाना और धक्के खाना और थोड़ा थोड़ा बीच में उठना और गिरना, कभी अच्छी बातें बोल रही हूँ कभी बुरी, तो मतलब वो सब मिला जुला हमेशा मेमोरेबल ट्रिप रहा है मेरे आज का होगा। मैं कम से कम 10 बार आ चुकी हूँ, लेकिन ये शायद यादगार ट्रिप रहा है। बहुत बढ़िया। और राजा भैया की मेरे बेटे से भी दोस्ती हुई। मैं इससे पहले कभी भी नहीं आई हूँ। पहली बार? वाओ, पहली बारी का तो सगन भी लेना है हमने। और दुआजी का, हम बहुत अच्छा उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि इधर से चलो उधर से चलो, बहुत उन्होंने साथ दिया हम लोगों का, मतलब उनका मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ। और जो दुआजी बोल रहे हैं कि हाँ मैं इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी है। हाँ जनरल यार भीड़ ज्यादा, बहुत भीड़ थी। साथ से वो याद करके थोड़ा सा भावुक हो गए थे हम लोग। सारे राम भक्तों को, किशन भक्तों को राम राम, राधे राधे। हमारे जो राजा भाटिया जी है ना, इनका ये लगभग थर्ड ट्रिप है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। पहला था ये जिम कॉर्बेट गए थे हम भी, यहाँ से कुछ गए थे, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज में, उसमें राजा भाटिया जी ऑर्गेनाइज करने में भी सबसे आगे, और पूरा इन्होंने एंकरिंग और ऑर्गेनाइजेशन पूरी इन्होंने संभाली थी। हाँ उसके बाद आप यहाँ से हमारे कुछ साथी अयोध्या जी भी गए थे, और अयोध्या जी भी हमारा दो दिन का टूर था। उस टूर में भी राजा भाटिया जी ने पूरा पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग और पूरा कोऑर्डिनेशन सारी संभाली थी। और ये जो आज का हुआ है राजा भाटिया जी, रियली आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एक दिन में छोटे से टाइम में और आपने इतना लंबा शेड्यूल मैनेज करना और उसको एक एक बंदे को कोऑर्डिनेट करना, फिर ग्रुप में बार बार मैसेज डालना है, और आपको पता है कहीं कुछ शेड्यूल कहीं आगे हो रहा था, कहीं पीछे हो रहा था, कोई लेट हो रहा था, कोई कहाँ पहुँच गया, कोई कहाँ पहुँच गया, और इन्होंने पूरा एक अपना बैलेंस, माइंड का बैलेंस रख के और सारा कुछ ये काम किया है। 6 महीने बाद या 7-8 महीने में एक ट्रिप ऐसा एक धार्मिक यात्रा की तरफ का लगना चाहिए। ताकि हमारी ये जो पूरी ये सारी टीम है, इसमें दुआ साहब, मानव खोसला जी और मीनू चावला जी, आपका भी धन्यवाद। और ये हमारी जो टीम है सिंगर्स की, ये मनोज शर्मा जी, संगीता जी और सबने जो गाने वाने गाए, आशा भाभी, आशा नारंग भाभी, मतलब आप सबने भी जो गाने गाए हैं ये भी तो कम नहीं है, पूरा मनोरंजन आपने। हाँ 3-3.5 घंटे के रास्ते में आप सबने जो मनोरंजन किया है वो नहीं, नाम मैं सबके नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने भी भजन गाए या गाने गाए उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कंट्रीब्यूशन इसमें, एक एक ईच एंड वन मेंबर इज हैविंग कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग दिस इवेंट ए सक्सेसफुल। मेरा ख्याल है ये 17 नवंबर 2024 संडे ये हमें याद रहेगा डेफिनेटली।